लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को हो रही परेशानी को समझने और मजदूरों की सूद लेने वरिष्ठ समाज सेविका मेधा पाटकर बीती रात भिवंडी के चामिंद्रा पहुंची और स्थानीय समाज सेवक से मिलकर हो रही परेशानियों पर चर्चा की और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। मेधा पाटकर देश व्यापी मजदूरों की समस्या को लेकर सत्याग्रह कर रही है। धूलिया से मुंबई आते समय सड़कों पर मजदूरों को पैदल देख भिवंडी के छविंद्रा में बीती रात पाठ कर रही कई समाज सेविकों से मिली और कहा कि देश के श्रमिक हर क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, वो चाहे जीडीपी में हो, उत्पादन में हो या वितरण में हो, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं रख रहा है। मजदूर मालिक से बगैर वेतन लिए घर के लिए निकल पड़े हैं, न राशन मिला न राहत। हर किसी को मुफ्त में न सही कुछ पैसे में राशन दिया जाए, लेकिन एक व्यक्ति का 5 किलो अनाज में महीना नहीं गुजारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन बगैर नोटिस दिए अचानक लागू किया गया है। आज हजारों मजदूर नेशनल हाईवे पर पैदल चल पड़े हैं, जो भाड़े पर वाहन ला रहे हैं उससे नहीं जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। मेधा पाटकर ने आरोप लगाया है कि राज्य और केंद्र के बीच कोई सामंजस्य नहीं है। जो व्यवस्थाएं विद्यार्थियों के लिए की गई है वो मजदूरों के लिए नहीं की गई है, यही सूझबूझ नहीं है इस देश में। ये वो मजदूर है जो अपने माता पिता और बच्चों के लिए मजबूरी में मजदूरी के लिए निकलते हैं। मनरेगा भी नहीं चल पा रहा है, रेल और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मजदूरों को राहत दी जा सकती है, लेकिन कोई कहता है फंड नहीं है। पीएम केयर फंड में काफी फंड आ रहा है, लेकिन वो मजदूरों के लिए नहीं है। जल्द ही इसके लिए फंड जारी किया जाए, श्रम मंत्रालय निश्चित करे कि नियमों का पालन हो। मोदी जी तो अभी एक एक राज्य को जानने के लिए बातचीत कर रहे हैं, हम तो पूरे देश घूमे हुए लोग हैं, हमको हर जिला मालूम है। तो बरौनी आज ट्रेन रात को 11 बजे निकल रही है, लेकिन बिहार के कितने लोग अभी रास्ते में चल रहे हैं, ये कितना दुर्दैव है। तो आपको ये पूरा अंदाज सरकार को देने का काम भी हमें सामाजिक कार्यकर्ताओं को करना होगा और जल्दी से जल्दी कम से कम संख्या कि ये 2 और उनके साथ 40, ये 2 और उनके साथ 30, ऐसी एक संख्या दे देंगे और उसका एक्चुअल रिकॉर्ड या तो पोस्ट ऑफिस में बनाएं, पुलिस स्टेशन इसका काम सही दर्द के साथ संवेदना के साथ करेंगे नहीं जब तक उनको ओरिएंटेशन नहीं दिया जाता। तो उद्धव ठाकरे जी ने मांग की थी कि रेल पहले हमको कुछ दिनों तक चलाने दो, तो नोटिस देकर लोगों को जहां शुद्ध हवा है, यहां भिवंडी में 10x8 के कमरे में 10 लोग रहते हैं, एक शिफ्ट के 5, दूसरे शिफ्ट के 5, ये सब लोगों ने वहाँ आकर हमारे साथ बैठकर बॉर्डर पर सब बातें सुनाई हैं और हम जानते भी हैं, वो चाहे पावर लूम्स में हो, ड्राइंग फैक्ट्री में हो, बैटरी फैक्ट्री में हो, सब तो देश के लिए बुनियादी उत्पादन की बात है, वो वही करते हैं, बिल्डिंगें वही बनाते हैं और उनको फंसाया जा रहा है। तो रेलवे से उनको छोड़ने का काम करना चाहिए था, आज भी पूरा परिवहन मुफ्त में होना चाहिए। आज मैं भिवंडी में हूँ, धुलिया और नासिक करके आई हूँ, पर पूरे राज्य राज्य में हमारे समन्वयक बने हैं, तो भिवंडी में भी बहुत काम लोगों ने राहत का किया है, पर अब जो तीसरी फेज और अभी चौथी फेज शुरू हो रही है तो उसमें लोग भी थक गए हैं और सरकार एक एक निर्णय लेती है, थाली बजाने का, दिया जलाने का, और यहाँ भूख इंसान को खाना खिलाने का समाज और सामाजिक संस्थाएँ करती जाएगी तो कब तक। विदेशी पैसे वाले लोगों की बात अलग है, जो अपने चंदे से सामूहिकता से कार्य कर रहे हैं उनको सलाम करती हूँ, पर अभी इस फेज में हम लोगों को जो श्रमिक बचे हैं उनको पूरा राशन दिलवाने का काम में भी जुटना चाहिए, जो हमारे लिए मंजूर किया गया है सरकार की तरफ से। राशन कार्ड नहीं हो तो भी अगर भूखा है, और सही में ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2005 का PUCL के केस में कि देश में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, तो और कुछ चीज़ दिखने की ज़रूरत नहीं है। और डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, PM केयर्स फंड कहाँ जाएगा, नहीं तो हम लोगों को चाहिए कि उसके पीछे पड़े और जगह जगह से भूखे लोगों को ढूंढे, उनकी सूचियाँ बनाए, कलेक्टर को दे दें, कैसे नहीं देंगे राशन हम देख रहे हैं। दूसरा है वेतन, वेतन देना चाहिए हर ठेकेदार ने और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर में नहीं दिया गया। अभी भिवंडी के कोने पर लोग मिले बिना वेतन लिए, वो औरब गांव से आ गए हैं, तो इनको वेतन देने के लिए हमारे पास जानकारी चाहिए, मालिक की, मजदूर की और श्रमायुक्त के पीछे पड़ना चाहिए। हमने कल नासिक में देखा श्रमायुक्त कार्यालय के एक भी बंदे को
इस काम में रास्ते पर उतर कर मजदूरों के बीच में जाकर वहाँ डेस्क लगाकर बैठना चाहिए, उसमें लगाया नहीं गया है। तो सामाजिक कार्यकर्ता जब तक हर काम में हस्तक्षेप पॉजिटिव नहीं करेंगे तब तक ये सब बातें नहीं होगी, कानून का अमल नहीं होता। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।